हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन आएगा उसको आपको दबा के ऑन कर देना है ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ वीवो का सेट मेरे पास है तो मैं इसमें जो ट्रिक बताने वाला हूँ तो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जैसे कि मैं कोई भी फंक्शन इसमें यूज करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जिसका भी मोबाइल है मैं फंक्शन को यूज करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं MX प्लेयर को ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे MX प्लेयर ओपन हुआ है और उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे काट के और यहाँ से मैं इसको यहाँ से भी डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ। तो अगर पता करना है कि आपके मोबाइल में कौन कौन से फंक्शन खुला हुआ है वहाँ से डिलीट करने के बाद, तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको फ़ोन पर क्लिक करना है, फ़ोन वाले जहाँ पर आप कॉलिंग करते हैं उसके बाद आपको डायल करना है *#*#, उसके बाद आपको क्लिक करना है 4838, ठीक है, और उसके बाद आपको दबाना है *#*#, यहाँ पे उल्टा कर देना है, ठीक है। उसके बाद दबाते हैं, यहाँ पे आप बीच वाले नंबर पे देख रहे होंगे यूज लिखा है, यहाँ पे आपको यूज पे क्लिक करना है। यूज पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि MX प्लेयर, व्हाट्सएप, लाइक, यहाँ पे ट्रू कॉलर्स, फ़ोन मैनेजमेंट, यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे खुला हुआ है। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज हुआ है। तो ऐसे आप बस केवल वीवो के सेट में ऐसे होता है, फंक्शन दिया रहता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वीवो का, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से फंक्शन खुला हुआ है। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।